अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी खुशियों से भरे, आमीन। तो अपने आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको, मेरे बहन भाई जितने भी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन है, ईद मुबारक। इस वक्त मैं एक ऐसी मजबूर फैमिली के पास मौजूद हूँ जिनके घर में जो है ना राशन नहीं था, आटा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा एक भाई है ज़का, जिनका ताल्लुक मलेशिया से है। अल्लाह पाक उनके कारोबार मारिफ में बरकत फरमाए, आमीन सुमानी। तो उनकी जो है ना जब हमें डोनेशन मिली तो उस वक्त जो है ना ईद का लास्ट यानी एक दिन जो है ना लास्ट दिन था, चांद रात थी। सुबह में पेमेंट मिली, हमें हमारे पास और भी बहुत सारे काम थे तो जिसकी वजह से जो है ना वो मैं डोनेट नहीं कर सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम आ चुके हैं इस बहन के पास जो कि डिज़र्विंग है। इनके घर के जो है हालात इतने ठीक नहीं थे, इनके जो बच्चे हैं ठीक है अभी छोटे से हैं, यानी इनके करने कमाने वाला कोई नहीं है। तो एक बच्चा है वो अब इस वक्त 11वीं क्लास के अंदर है, वो भी एक सरकारी स्कूल के अंदर। जो इनके हस्बैंड हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं कर सकते, बीमार रहते हैं। इनकी जो है ना बेटियाँ, उनको हुनर आता है सिलाई मशीन का, बट इनके पास वो भी नहीं है कि वो सिलाई मशीन वगैरह जो है ना सिलाई मशीन के जरिए अपना घर का जो है निज़ाम चला सकें, कपड़े स्टिच करके, ठीक है ना। तो मैं आप एक सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए हमारा साथ दें, हम इन बहन को एक सिलाई मशीन दें ताकि जो है ना ये घर पे बैठ के अपना रोज़गार सिलाई मशीन के ज़रिए चला सकें, ठीक है। हम अगर राशन दे रहे हैं इसमें हम शो ऑफ इसके ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो खिदमत खल्क में हमारा साथ दें। इसी तरह से आए जो लोग सैबी इस्तेदात हैं वो गरीबों की मदद करें, और उसके बाद जो है ना जो गरीब हैं उनको एक हुनर दें ताकि वो आगे जा के अपने लिए अपने मुस्तकबिल अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके, यानी अपने फ्यूचर को बना सके एक मेहनत करके अपने जो है ना हुनर से। ताकि जो अगर हम हुनर दे रहे हैं उनको, अगर जो है ना हम सिलाई मशीन अगर किसी को दे रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम उनको जो है ना अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, कब तक वो जो है ना इस तरह से जो है ना किसी से मांग के जो है ना अपनी लाइफ गुजारेंगे। बट मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा आप आए हमारा साथ दें ताकि हम जो वाइट कॉलर फैमिलीज़ हैं, सफ़ैद पोश फैमिलीज़ हैं, जो गरीब फैमिलीज़ हैं, जो गरीब जिनके घर में कमाने के लिए कुछ कमाने वाला कोई नहीं है और जो घर में राशन वगैरह नहीं है, और उनको अगर हुनर है सिलाई मशीन का बट हम उनको सिलाई मशीन दे के उनको अपने उनके पैरों के ऊपर खड़ा कर सकते हैं, ताकि आप इस नेक मिशन में हमारा साथ दें। अगर हम उनको जो है ना आगे लेके आए, कल को जो है ना वो हमें दुआएं भी दें और जो है ना अपने बच्चों को लिए अपने घर के लिए एक अच्छा जो है ना सेटअप बना सकें। आए अपनी माँ से सलाम करते हैं, उनसे पूछते हैं इनके घर के हालात हमारे आने से पहले कैसे थे, अब जो है ना इनको राशन मिल गया एक महीने का अल्हम्दुलिल्लाह से जो कि हमने आगे रख दिया। माँ जी से उस भाई के लिए भी दुआ करवाएंगे, उसके बाद जो है ना इस माँ जी से पूछते हैं इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनके जो है ना घर के हालात कैसे हैं, फैमिली मेम्बर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, किस तरह से अपना घर चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अच्छा अम्मा जी आप ये बताएं हमारे आने से पहले आपके घर के हालात किस तरह से थे? बहुत भाई खराब थे हालात हमारे। अच्छा जी, हाँ जी, हम लोग की भैन भरावां की मदद नाल हुण कुछ ठीक हुए। अच्छा, हाँ जी, दी सी सानू। अच्छा, हुण राशन भी देता जी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे अपने बच्चे मेरे पेट भर के खा सकेंगे। अच्छा, बच्चे ने टोटल? मेरे छह बच्चे ने। छह बच्चे ने, कितने बेटे कितनी बेटियां? दो बेटे और चार बेटियां ने। अच्छा, हाँ जी। ते हस्बैंड थोड़े की करदे ने? हस्बैंड मेरे वेले ने, कुछ नहीं कर सकदे, बीमार है। अच्छा, वो बीमार है? हाँ जी। ते अच्छा ये जेड़ा राशन है साढ़े पाई है ज़का मलेशिया, ठीक है, तुसा उन्हां वास्ते दुआ करें कि अल्लाह पाक जी ना उन्होंने कारोबार मार इसके बरते अता फरमाए, और उसके बाद ना वो इसी तरह के फलाई काम जो गरीबों वास्ते जो ना वो करते रहने, ताकि जो अल्लाह पाक ने उन्होंने ज्यादा मजीद तरक्की दे। बाकी उस बाद थोड़े बेटिया हुनर वगैरह भी कर सकती हैं? हाँ जी, एक जड़ी है वो तो सिलाई कर लेंदी कपड़े। अच्छा जी। दूसरी जड़ी है उन्होंने पार्लर का शौक है, साढ़े चेनी हिम्मत नहीं पी उन्होंने पार्लर का कोर्स करवा सकी है। हाँ जी, ओ फीस मांगते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी अमानत थी वो हमने इन जिद्दतों से अभी तक बीमा कर दी है। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं और गरीबों का सहारा बनना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इंशाल्लाह आपकी अमानत हकदार जाती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।